जीवन में तीन कार्य करने बहुत जरूरी है। यदि हमारे जीवन को हमें उत्कर्ष के मार्ग पर ले जाना है तो जीवन को बचाना पड़ेगा। सबसे पहला काम, जीवन जो गलत की ओर जा रहा है वहां से उसको निश्चित तौर पर बचाना पड़ेगा। बिना बचाए हम हमारे जीवन को नहीं बचा पाए। पहले जीवन को बचाना पड़ेगा, उसके बाद में जीवन को बनाना पड़ेगा। हमारा जो जीवन है उसको अच्छा बनाना पड़ेगा। बुरे से जब हटते हैं, बुरे से जब रिवर्स गियर में हमारी गाड़ी आती है तो अच्छे मार्ग पर चलने का मन होता है। और शास्त्रकार भगवान यहां तक कहते हैं कि मात्र बचाने से काम नहीं चलेगा, तब मनुष्य जन्म सार्थक नहीं होगा। मात्र बना लेंगे तो भी मनुष्य जन्म सार्थक नहीं होगा। शास्त्रकार भगवान ये कहते हैं कि जीवन बचाना भी जरूरी है, जीवन बनाना भी जरूरी है और जीवन को सजाना भी जरूरी है। हमें सजाना है, जीवन को सुशोभित करना। कैसे सुशोभित हो हमारा जीवन? जब मृत्यु हमारी आंखों के सामने आती है, हमें महसूस होता है कि जीवन में ये हम जो समाज के पीछे भागे, ये धन के पीछे भागे, ये सत्ता के पीछे भागे, ये परिवार के पीछे भागे, ये पुत्र मोह में पागल बने, पत्नी के मोह में पागल बने, समाज में हर चीज के लिए हम भागते रहे, लेकिन अंततः जब मौत आंखों के सामने आ जाती है तो लगता है कि सब निरर्थक। आदमी कोशिश करता है दुनिया में सभी को ठगने की, सभी को बनाने की कोशिश करता है, सभी को चकमा देने की कोशिश करता है, लेकिन मौत एक ऐसी चीज है जिसको आज तक कोई चकमा नहीं दे पाया। दुनिया की कोई ताकत उसको रोक नहीं पाई। चाहे आप कितने शक्ति संपन्न हो कोई मायने नहीं रखता, आप चाहे कितने धन संपन्न हो कोई मायने नहीं रखता, आप चाहे कितने संबंधों से भरे हुए हो कोई मायने नहीं रखता, आपके पास कितनी जमीन जायदाद, कितने प्लॉट, कितनी कोठियां, कितना बैंक बैलेंस, कितना परिवार है कोई मायने नहीं रखता। जब वहां से बुलावा आता है तो हमारे पास कोई ऑप्शन। दुनिया में अनेकों लोग ऐसे हुए जिन्होंने मौत को मात देने की कोशिश करी, लेकिन आज तक कोई दे पाया? कोई नहीं दे पाया। दुनिया में अनेकों लोगों ने कोशिश करी कि हम मौत को हरा दे, हम मौत से जीत ले। अरे दूर की बात, मैं सिकंदर की बात नहीं करता, मैं आज के समय की बात करता हूं। आप लोगों के ध्यान में एक नाम होगा, माइकल जैक्सन, दुनिया का एक सितारा जिसके करोड़ों चाहक थे, लाखों नहीं कह रहा, करोड़ों। जब उसकी मौत हो गई 2009 में, तब करीबन करोड़ों लोगों ने उसको लाइव देखा था। गूगल हैक हो गया, क्रैक हो गया, हजारों लाखों लोग उसका संशोधन रिसर्च करने लगे कि सच में माइकल जैक्सन चला गया। जिसके दुनिया के भीतर करोड़ों फॉलोअर्स थे, वो माइकल जैक्सन 150 साल जीना चाहता था। समझ लेना, आज तक दुनिया में मौत को कोई मात नहीं दे पाया, चाहे धुरंधर हो, चाहे सिकंदर हो, चाहे माइकल जैक्सन। मैं आपको बात बताना चाहता हूं, वो 150 साल जीना चाहता था। कितना साल? 150 साल उसकी दिली तमन्ना थी, उसकी दिली भावना थी कि मैं मरूंगा नहीं 150 साल तक। मेरे पास पैसा है, मेरे पास पावर है, मेरे पास सब कुछ है, दुनिया के अच्छे से अच्छे डॉक्टरों को लगा दूंगा, लेकिन मैं 150 साल तक मरने वाला नहीं हूं। इसने इच्छा जाहिर करी थी। आपको शायद पता ना हो, मैं बता दूं, जब वो दुनिया में किसी से भी मिलता था, कोई भी कंट्री में जाता था, चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे राष्ट्रपति हो, हाथ में ग्लव्स पहने बिना वो आज तक किसी को मिला नहीं। जब अभी पब्लिक के समूह के बीच में जाता था, आप तो अभी मास्क लगाना सीखे हो, वो जब जिंदा था तब वो जब भी पब्लिक के बीच में गया हमेशा मास्क लगा कर गया। एट अ टाइम 12 डॉक्टर उसके साथ रहते। दुनिया के चुनिंदा, दुनिया के होशियार, दुनिया के बड़े से बड़े, एट अ टाइम 12 डॉक्टर उसके साथ रहते थे। वो जो भी भोजन करता था वो पहले लेबोरेटरी में चेक होता था, उसके बाद में उसकी थाली में आता था। समझ लेना, जीवन बचाना बड़ा जरूरी है। अच्छे अच्छे धुरंधर आए चले गए, हम भी चले जाएंगे यदि जागे नहीं। 12 डॉक्टर उसकी सेवा में तैनात रहते थे, उसकी थाली में जो भोजन आता था उसके पहले लेबोरेटरी में चेक किया जाता था कि भोजन सही है, तब जाके उसकी थाली में आता था। आप तो शायद 3 महीने 6 महीने साल 2 साल में अपने खून की जांच करवाते होगे, वो डेली सुबह अपने रिपोर्ट निकलवाता ताकि एक भी रिपोर्ट गड़बड़ तो नहीं है ना।
दुनिया को हिलाने वाला वो माइकल जैक्सन, उसने अपने घर के अंदर बाजू में दूसरा मकान बना करके, बाजू में दूसरी विला बना करके 25 लोगों को तैयार रखा था, जो उसको हर एक अंग डोनेट करने के लिए तैयार थे। कभी आंख चली जाए तो आंख का डोनर तैयार, कोई भी ऑर्गन पूरे शरीर में फैल हो जाए तो उसका डोनर तैयार रखा था। उसका भरण पोषण, उसके परिवार की जिम्मेदारी माइकल जैक्सन संभालता था, कि क्योंकि कि मुझे कब भी एक ऑर्गन की भी जरूरत पड़ जाए, खून की भी जरूरत पड़ जाए, तो मुझे कहीं जाना ना पड़े, सब मेरे पास में हो, इतनी व्यवस्था वो माइकल जैक्सन ने करके रखी थी। 15 लोग उसके शरीर का ध्यान रखते थे सुबह से शाम तक, बाल कैसे बनाने, मुंह कैसा बनाना, व्यायाम कैसा करना, ध्यान कैसा करना, किस तरह से जीवन आगे बढ़ाना, 15 लोग उसको सलाह सूचन देने के लिए हमेशा उसके आसपास में रहते थे। ऐसा माइकल जैक्सन, समझ लेना, जब 25 तारीख को 2009 में अपने घर में बिछाने के ऊपर पड़ा हुआ था और तब दिल की धड़कन रुकने लगी, तब 12 डॉक्टर, दुनिया के सबसे बड़े, सबसे विद्वान, सबसे होशियार, सबसे अच्छे चिकित्सक, जो 12 डॉक्टर थे, उन्होंने माइकल जैक्सन को कह दिया कि अब आपके पास समय बहुत कम है। उसने कहा ये हो नहीं सकता, मेरा मेरे शरीर को इतना संभाला है, इतना ध्यान रखा है। उसका जन्म अश्वेत परिवार में हुआ था, उसने ऑपरेशन करके, प्लास्टिक सर्जरी करके अपने चेहरे को गोरा बनाया था, अपने अश्वेत माँ बाप को छोड़ दिया कि मुझे नहीं चाहिए काले लोग, मेरे आसपास में गोरे लोग चाहिए। वो गोरे लोगों से ही मित्रता करता था, उसके आसपास में जितने लोग थे सब गोरे थे। लेकिन फिर भी 50 साल की उम्र में जब वो मौत के बिछाने के ऊपर पड़ा हुआ था, जब उसको बचाने वाला कोई नहीं था, सामने खड़े 12 डॉक्टर ने कह दिया कि अब बचने की कोई संभावना नहीं है, आपकी दिल की धड़कनें धीरी हो रही है, आपकी दिल की धड़कनें स्लो हो रही है, अब शायद आप न बच पाओ। और जाते जाते माइकल जैक्सन दुनिया को संदेश देकर के गया कि समझ लेना, जीवन बढ़ाना हमारे हाथ में नहीं है, जीवन बचाना हमारे हाथ। जितना जीवन हमें प्राप्त हुआ है उसको हम बचा सकते, बढ़ा नहीं सकते। अरे अच्छे अच्छे धुरंधर आए, सिकंदर आए, आए चले गए, किसी की कोई औकात नहीं है, काल के सामने मौत आ जाएगी, कोई रोक नहीं सकता। और इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, जीवन बढ़ाना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन जीवन बचाना जरूर हमारे हाथ में। और अब भी नहीं जागे, इतनी सुंदर व्यवस्था मिलने के बाद, अरे हमारा तो प्रबल पुण्योदय है, ये आर्य देश मिला, अच्छा कुल, अच्छे खानदान में जन्म मिला, बचपन से धर्म के संस्कार मिले। अरे कोई अफ्रीका के कोने में जन्म हुआ होता, हम कटोरा लेके मांग रहे होते कि खाने को कुछ मिल जाए। हम तो महासौभाग्यशाली है, पुण्यशाली है, और फिर भी हम जागे नहीं, फिर भी हमारे जीवन को बचाए नहीं, फिर भी हमारे जीवन के बारे में सोचे नहीं, फिर भी हम जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश न करें, तो हमने पाया क्या और हमने गंवाया। और इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, समझ लेना, जीवन को बढ़ाना आपके और मेरे हाथ में नहीं है। अरे हमारी बात छोड़ो, परमात्मा महावीर का जब निर्वाण हो रहा था, इंद्र महाराज ने कहा कि परमात्मा, मैं भगवान महावीर की बात कर रहा हूं, जिसके हम वंशज हैं, जिसके हम अनुयायी हैं। वो परमात्मा महावीर को कहा कि भगवान, आने वाला समय बड़ा खराब है, बड़ा विकट है, आप एक समय के लिए आपका आयुष्य बढ़ा दो। और भगवान महावीर के शब्द थे, हे इंद्र, पागल जैसी बातें मत कर, मेरे हाथ में नहीं, कौन बच सका आज तक। फिर भी हम जागे नहीं, फिर भी हम जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश ना करें, फिर भी हम जीवन को बचाने के लिए मेहनत ना करें, तो हमारे जैसा महामूर्ख कोई नहीं है। और इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, जीवन बढ़ाने की कोशिश मत करो, जीवन बचाने की कोशिश करो। जितना जीवन हमारे पास है वो बच जाए तो भी हम कहां से कहां पहुंच जाए। प्रेम, भक्ति, आराधना, प्रवचन के अद्भुत संगम से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें गुरु प्रेम मिशन की YouTube चैनल को, और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।